तो भाई हम आ चुके हैं चौधरी दी हट्टी पे, जो कि लोकेटेड है कृष्णा नगर में। एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। बहुत पुरानी दुकान है, 1962 की दुकान है। चलो देखते हैं कैसे इनके छोले पूड़ी और कैसे बनते हैं। ये भाई उतर रही है पूड़ियाँ यहाँ पे। ये आपको लग रहा होगा भटूरे हैं, लेकिन है असल में ये पूड़ियाँ। देखिए ये सामने ओनर है इनके, जो स्लिप काट रहे हैं। यहाँ पे आप स्लिप कटवाएंगे। ये भाई पूड़ियाँ देखिए जूम करके, वाह बढ़िया लग रहा है देखने में। बाय द वे पूरी जो है भटूरे से कम ऑयली होती है, कंपैरेटिव कम ऑयली होती है। ये सामने देखिए, एकदम सामने ये पूरी के जो वो है, मतलब आटे को गूंद गूंद के रख रखा है, उसके पेड़े बना रखे हैं और फिर ये यहाँ पे फ्राई कर रहे हैं कढ़ाई में। बढ़िया लग रहा है भाई देखने में, और ऑयली भी कम होंगे आई थिंक भटूरे से। अभी हम आपको इनके छोले भी दिखाएंगे, छोलों का तो अलग ही स्वाद है इनके। भाई यहाँ पे पैकिंग चल रही है, ये देखिए भाई पैकिंग भी चल रही है और खाने वाले खा भी रहे हैं। नीड देखते तो भाई ये रहे इनके छोले, भाई गजब लग रहे हैं, पूरा ड्राम भरा पड़ा है। ये भैया पैक कर रहे हैं पन्नी में। ये देखिए भाई छोले के दाने देखिए, और ये यहाँ पे दही है, कर्ड जिसे हम कहते हैं, छोले के ऊपर ये दही डाल देते हैं। ये भैया धड़ाधड़ पन्नी पैक कर रहे हैं। भाई ये देखो छोले दाने देखो कितने थिक है, कितने मोटे हैं, अलग ही दिख रहे हैं। यहाँ पे भाई ये देखिए, वाह एक प्लेट 50 रुपये की। ये दही भी डालते हैं छोलों में ताकि टेस्ट आ जाए। अभी हम भी टेस्ट करेंगे इनके छोले। ये देखिए यहाँ पे पर्ची का सिस्टम है, आपको पर्ची कटवानी पड़ेगी इनके ऑनर से, तब जाके यहाँ पे आपको छोले पूड़ी ये देंगे। भाई गजब है यार। तो भाई हम भी टेस्ट करते चलो। भाई ये आ गए हमारे छोले पूड़ी की प्लेट। ये आपको भटूरा लग रहा होगा बट एक्चुअली ये पूड़ी है, और जैसा कि मैंने सोचा था ये लेस ऑयली है कंपेयर करें भटूरे से। और ये हमारे छोले हैं जिसपे दही डाल रखी है, काफ़ी थिक दाने हैं छोले के भी, और ये गाजर का अचार दिया साथ में, बाकी अनियन से प्याज। तो चलते हैं भाई टेस्ट करते हैं। फर्स्ट बाइट, भाई जो टेस्ट है वो काफ़ी मॉडरेट है, ना मसाला ज़्यादा है ना कम है, काफ़ी मॉडरेट टेस्ट है। और भाई देखा जाए तो दही का स्वाद भी काफ़ी अच्छा लग रहा है इसमें, और प्याज के साथ खाएं तो और भी। भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो ऑफिशियल फूड विद अक्षत।